छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है, वो धतूरा है, साधारण बहु कैसी भी बीमारी हो, बस निवेदन इतना है, अगर ज्यादा बीमारी घेर कर रखी है, एक लोटा पानी कलश, और जो व्यक्ति बीमार है उसका वस्त्र उस लोटे को छूना, एक बेलपत्र उसमें पटक दो, और शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग जो मंदिर में हो, चाहे वो गुप्तेश्वर शिवलिंग हो, कुबेरेश्वर हो, महेश्वर हो, बटकेश्वर हो, पिपलेश्वर हो, नर्मदेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, कोई भी शिवलिंग जो आपके नजदीक में हो, जो मंदिर आपके पास में है, एक लोटा पानी ले जाकर जो बीमार है उसके नाम से, नाम और गोत्र बोलकर शंकर को समर्पित कर दो। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे शिव पर, आराम लग जाएगा, लगभग आधा घंटा एक घंटा दो। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर पांच बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाएगी। घर में केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए, और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान हो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन।